अब ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त ये गुड़ वाली सेवैयाँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बन जाती हैं और टेस्ट में बहुत ज़्यादा लजीज सी होती हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुगल सेले। गुड़ वाली सेवैयों के लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है घी, और घी जैसे ही मेल्ट हो तो इसमें ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी ये सौंफ। सौंफ डाल दी है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून। देखें गोल्डन गोल्डन सा कलर सौंफ के ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें 250 ग्राम के करीब ये गुड़ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि गुड़ के ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आए, ज़रा डार्क कलर आए, तो फिर आपने ये देखें, इसीलिए मैंने पहले इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, ताकि ज़बरदस्त सा इसमें ज़रा ये कुक होगा, ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा डार्क करेंगे कलर को, गुड़ का कलर थोड़ा लाइट है इसलिए। ये देखें गुड़ का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। थोड़ा सा मैं और इसको कुक करूँगी ताकि और भी ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो ये देखें, अब ये कलर ठीक है, बस यहाँ पर आके मैं फाइनल करती हूँ इसको। इसमें हम पानी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें हमारी सेवैयाँ गल जाएँ, ज़्यादा आपने ओवर नहीं डालना पानी। तो तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी। तो ये इसलिए देखें, मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास भर भर के पानी के डाल दिए हैं। अब ये इसको मैं छान लूँगी, इसको नीचे उतार के छान लेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर भी थोड़ा बहुत सा कचरा होता है, वो भी निकल जाएगा और हमारी सौंफ है ये भी छन जाएगी। और अगर हमें सेवैयों में थोड़ा सा पानी और डालने की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें 2 गिलास ही रख रही हूँ, ताकि ज़्यादा ना हो। कम का इलाज हो जाएगा, ज़्यादा का नहीं होगा। इसको फ्लेम से उतार के और इसको स्टैंड कर लेती हूँ। तो ये देखें, अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप के करीब घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सेवैयाँ, डाल देंगे बारीक वाली सेवैयाँ हैं, 3 पैकेट सेवैयों के हैं और 250 ग्राम के करीब हमारा गुड़ था। अब सेवैयों को भी घी के अंदर मैं भून लेती हूँ, ज़बरदस्त सा भून लेंगे इसको। तो ये ख्याल रखिएगा, तकरीबन 3 पैकेट हमारे ये हैं सेवैयों के, और मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट सी आंच के ऊपर इसको मैं भूनूंगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी भुनाई हो गई है सेवैयों की। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो गुड़ का मैंने शीरा सा बना के रखा हुआ है, ये डालूँगी मैं इसमें। सौंफ वगैरह थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। 2 गिलास के करीब हमारा ये शीरा है। पानी इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला, अब वो ज़्यादा फिर घुल जाती है तो अच्छी नहीं लगेंगी। थोड़ी थोड़ी सी ये सेवैयाँ हमारी खड़ी खड़ी सी अच्छी लगेंगी। अब मैं इस पर थोड़ी देर के लिए कवर लगाती हूँ। लगाऊंगी कवर लगाने से पहले ये थोड़े से बादाम हैं, ये छिलके उतार कर ये इसमें डाल देंगे और इसकी मिक्सिंग करूँगी, और फिर इस पर कवर लगा दूँगी लाइट सी आँच के ऊपर, ताकि ये कुक हो जाए। अब ये दम वाली आँच पर पकेंगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको दम लगाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये सेवैयाँ रेडी हैं, खड़ी खड़ी सी सेवैयाँ हमारी बनी हैं। ये देखें, यही टेक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा घुली घुली बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी। ये गुड़ वाली सेवैयाँ थोड़ी सी इस तरह से खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती हैं। अब हम इसकी करते हैं डिश आउट। ये देखें टेक्सचर चेक करें ज़रा आप इसका, ये देखें इसकी, देखें ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली है, गार्निश हो गई है हमारी सेवैयाँ, गुड़ वाली सेवैयाँ रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा ये लजीज सी बनती है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।